टू विच वाटर राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो क्या निकालनी है, हाइट जिसका डायमीटर गिवन है 1.5 mm, का मतलब रेडियस की वैल्यू आ जाएगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और सरफेस टेंशन SI में चल रही है 10^-3 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस आ गया, सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है 7.4 × 10^-3 न्यूटन पर मीटर, आपको हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या करवाया था, 2t cos θ / r ρg, ये करवाया था, क्योंकि ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी SI में पता है 10^3 है, जी की वैल्यू पता है 9.8 है, आर की वैल्यू हमें पता है, टी हमें पता है, थीटा नहीं पता। जब किसी भी क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट उसको जीरो लेना होता है, कॉस जीरो क्या होगा 1, तो यहां से हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं गिवन, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बाय डिफॉल्ट क्या लेना है आपने, नहीं गिवन तो जीरो के साथ काम कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विड राइजेज टू अ हाइट ऑफ 7 cm इन अ कैपिलरी, हाइट पता है 7 cm है और ट्यूब का रेडियस पता है 0.1 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है इसमें 0.8 × 10^3, लेकिन SI में गिवन है याद रहे kg/m³, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस केस में जीरो है, थीटा इसमें जीरो है, कैलकुलेट सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तो कोई बात नहीं, हाइट का फॉर्मूला हमें पता है 2t cos θ / r ρg, तो आपको हाइट पता है, आपको r की वैल्यू पता है, आपको इसमें लिक्विड की डेंसिटी भी पता है, आपको g भी पता है, आपको क्या निकालना है, t निकालना है, और थीटा की वैल्यू क्या है इसमें जीरो, तो t की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, सीधा है, लेकिन यूनिट्स ध्यान से, अगर सरफेस टेंशन SI में है तो आर भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डेंसिटी सब कुछ आर भी और एच भी दोनों मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सब कुछ SI में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बेस पे एक असाइनमेंट है, 64th असाइनमेंट जो भी आपको दिया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, ये क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपको इस क्वेश्चन में गिवन है आर, जो कि 0.025 × 10^-3 मीटर हो गया, हेल्ड वर्टिकली, जिसकी डेंसिटी रो आपको पता है, रो की वैल्यू भी पता है, सरफेस टेंशन आपको टी पता है, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 0.3 पता है, आपको इसमें हाइट बताना है लिक्विड की क्या होगी, तो हाइट का फॉर्मूला 2t cos θ / r ρg, टी पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, आर पता है, रो पता है, जी पता है, यहां से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा पॉइंट नंबर 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है यहां तक कि हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी कैसे निकलेगी, 2t cos θ / r ρg, कॉस थीटा पता है, आर पता है, रो पता है, जी पता है, आंसर। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
देखो कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर डायमीटर, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.5 बाई 2 mm, का मतलब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया बॉडी की डेंसिटी आ गई। सरफेस टेंशन सीजीएस में ही गिवन है, डाइन पर सेंटीमीटर, मैं भी सीजीएस में कर रहा हूँ, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको गिवन है। डिप्रेशन या एलिवेशन बताओ इसमें ट्यूब की क्या होगी, यानी कि हाइट बोलो। अब हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2t cos थीटा बाय r रो g। अब इस केस में t पता है, r पता है, रो पता है, g पता है। अब प्रॉब्लम क्या है, थीटा को क्या पुट करना पड़ेगा, 130। मैथ्स में cos 130 कौन सा क्वाड्रेंट है, 130 सेकंड। सेकंड में cos ऑफ 130 क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि लेवल ऑफ लिक्विड उठेगा नहीं, गिरेगा। तो जिन लिक्विड के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होते हैं उसमें हाइट पॉजिटिव आती है, हाइट ऊपर चढ़ती है, यानी कि पानी पानी ऊपर चढ़ता है। और मरकरी जैसे लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 120 है, उसका कॉस 120 नेगेटिव आता है, तो हाइट नीचे गिरती है, हमने किया भी था। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें डिप्रेशन होगा, एलिवेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉस ऑफ 130 मुझे मालूम नहीं है। वैसे ऐसे एंगल्स के क्वेश्चन आते भी नहीं है, बुक्स में जरूर गिवन होते हैं, पर अगर मैं आपको cos 130 की वैल्यू दे दूं तो आप आंसर निकाल लेना, h की वैल्यू नेगेटिव में पुट कर लेना। cos 130 की जगह cos 120 होता, माइनस हाफ पुट करके आंसर आ जाता था। अब ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, cos 130 गिवन होना चाहिए, तो गिवन होगा, पेपर में ऐसे एंगल्स अगर आएंगे तो गिवन होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट डायमीटर, तो डायमीटर निकालना है, तो ऑब्वियसली रेडियस निकलेगा, उसको डबल करेंगे डायमीटर आ जाएगा। मरकरी इज डिप्रेस्ड बाय, डिप्रेस्ड का मतलब ये हाइट को क्या लेना पड़ेगा अपने को, नेगेटिव। डिप्रेस का मतलब नेगेटिव, एलिवेटेड का मतलब पॉजिटिव। तो सरफेस टेंशन मरकरी की पता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सरफेस टेंशन यूनिट SI में है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इतने मीटर। सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको पता है 540 इंटू 10^-3 न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इसमें नहीं निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली 140 नहीं मालूम हमें, पर चलो मेथड देख लेते हैं। एंड डेंसिटी भी आपको SI में पता है, तो क्या निकालना है इसमें, डायमीटर। तो h की वैल्यू पुट कर लेना, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g। अब h की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1.21 × 10^-2, और cos ऑफ 1 ऑफ 140 अगर अब मैं वैल्यू बता दूं तो ऑब्वियसली किस में आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, r की, r को डबल करेंगे तो क्या आएगा, डायमीटर। तो डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। cos 140 नहीं पता, पर अगर पता हो तो मेरे ख्याल से आंसर कैन बी कैलकुलेटेड, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो क्या फॉर्मूला लग रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये फॉर्मूला लग रहा है जिसमें हाइट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें प्लीज।
क्या क्वेश्चन है? वाटर राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर और रेडियस आर है मान लो ट्यूब का। फिर इन अ कैपिलरी हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, तो वो कह रहा है कि एक ऐसी कैपिलरी ली जिसका रेडियस 1/3 है, तो बताओ इसमें हाइट क्या होगी लिक्विड की, क्वेश्चन है। तो रेडियस छोटा है, हाइट चेंज हो गई, तो हमने एक फॉर्मूला किया था R into H is a constant, यानी कि R into H is equal to R by 3 into H dash. क्योंकि अगर हम हाइट चेंज करेंगे तो R चेंज होगा, R चेंज करेंगे तो हाइट चेंज होगी, तो R1 H1 is R2 H2 हमने किया था, इनसफिशियंट लेंथ की कैपिलरी का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर क्या किया था, R से R कैंसिल, हाइट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से H dash की वैल्यू आ जाएगी 2 into 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर से आंसर, एक आंसर आ गया, 6 सेंटीमीटर राइज करेगा। ठीक, एम नहीं है, सी एम है। ठीक, पहला पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है? अब देखो ये एक नया क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जो हाइट ऑफ लिक्विड है ना फर्स्ट केस में वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट कैपिलरी के अंदर 2 सेंटीमीटर, मैंने इस कैपिलरी को टेढ़ा कर दिया, कितना टेढ़ा कर दिया, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री टेढ़ा कर दिया, तब पाइप में लिक्विड की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो पहले लिक्विड की हाइट क्या थी, एच थी, मैंने ट्यूब को टेढ़ा कर दिया, कितना टेढ़ा किया, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, और मेरे को इस क्वेश्चन में ये हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब इम्पॉर्टेंट ये है इसमें जो समझने वाली चीज़ है, जब आप ट्यूब को टेढ़ा करते हैं आपको ये लंबाई निकालनी है, एल निकालना है लिक्विड, तब क्या होगा, तो आपको एल निकालना है। अब ये थीटा थीटा ऑल्टरनेट एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये 60 तो ये 60 है, ये हाइट और ये हाइट सेम रहेगी, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दिख रहा है ये तो 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जब लिक्विड टेढ़ा होगा तो इसकी वर्टिकल हाइट लिक्विड इससे ऊपर नहीं जाएगा, वर्टिकल हाइट विल रिमेन सेम, क्योंकि ग्रेविटी का असर है उसके ऊपर, तो ग्रेविटी तो जी नीचे ही होती है। तो याद रखना, जब ट्यूब टेढ़ी होती है तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो लिक्विड का वर्टिकल लेवल 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन स्लॉट हाइट इसकी चेंज हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा निकाल लेना, cos of 60 will be equal to h divided by l, h आपको 2 सेंटीमीटर पता है, थीटा आपको पता है, तो यहां से l can be calculated, तो लंबाई आ जाएगी लिक्विड के ट्यूब में क्या होगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें। ठीक है यहां तक, तो हाइट सेम रखते हुए l की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहाँ तक, इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या क्वेश्चन है, फिफ्थ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या क्वेश्चन है,
यू ट्यूब इज मेड अप ऑफ कैपलरीज ऑफ बोर, बोर का मतलब रेडियस, तो एक का रेडियस कितना है 1 mm है, तो 1 × 10⁻¹ है आर वन, और एक और कैपलरी है जिसका रेडियस कितना है 2 mm है, तो ये 2 mm है, तो ये लिक्विड इनके इनके अंदर राइज करेगा, तो ये लिक्विड राइज कर रहा है देखो, तो एक में लिक्विड यहाँ तक राइज कर गया, एक में यहाँ तक राइज कर गया, तो ऑब्वियसली एक की जो हाइट है लिक्विड की सपोज वो कितनी है एच वन है, और एक की लिक्विड की हाइट यहाँ से कितनी है एच टू है, एच वन एंड एच टू है, ठीक है यहाँ तक। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सरफेस टेंशन टी की वैल्यू आपको दे रहा है 49 dynes/cm क्वेश्चन में गिवन है, एंड जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो गिवन है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, आपको डेंसिटी निकालनी है, अगर डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मेनिस्कस 1.25 है, तो ये इसका अगर मेनिस्कस है, ये इसका अगर मेनिस्कस है, तो इनके मेनिस्कस के बीच में जो हाइट्स हैं, हाइट्स हैं ये हाइट, ये 1.25 cm है, यानी कि इनडायरेक्टली वो आपको क्या दे रहा है h1 - h2, तो हाइट का डिफरेंस का मतलब h1 - h2 की वैल्यू दे रहे हैं। अब मुझे पता है कि h1 होता क्या है, h1 होता है 2t cos θ / r1 रो जी फर्स्ट केस में, और h2 का मतलब 2t cos θ / r2 रो जी दूसरे केस में, सिर्फ r1 r2 चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर दोनों ट्यूब में सेम है, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, h1 - h2 2t cos θ / ρg एक तरफ, 1/r1 - 1/r2। अब आपको इस क्वेश्चन में r1 r2 पता है, आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस पता है 1.25, टी पता है, ये पता है, ये पता है, तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगी, डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, पहले h1 लगाओ h2 लगाओ दोनों को माइनस करो, h1 - h2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वहां से सॉल्व करके डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड।